गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्रिया एंड यू आर वॉचिंग वीडियो टेस्टर। फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट और रिव्यू करने वाले हैं हेयर सीरम का। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ ही हेयर सीरम्स हैं अलग अलग ब्रांड के, बट आज जो हम हेयर सीरम का रिव्यू करने वाले हैं वो है लिवॉन का हेयर सीरम। फ्रेंड्स, ये लिवॉन का हेयर सीरम है और इसके अंदर आपको विटामिन ई मिलता है, यानी इसके अंदर विटामिन ई भी होता है। फ्रेंड्स, ये 60 रुपीज़ का डब्बा आता है और ये आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स में मिलता है, जो कि इस वक्त मेरे पास नहीं है। ये छोटा वाला पैक है, इसका बड़ा पैक भी आता है, बट वो लॉकडाउन से थोड़ा पहले मेरे पास खत्म हो गया था, इसलिए जब मैं मार्केट गई तो मुझे ये छोटा वाला मिला और मैंने यही ले लिया। दोस्तों, ये मेनली बालों से फ्रिज हटाने के काम आता है, बालों को डिटेंगल करने के काम आता है। जब भी आप बाल को धो के आते हैं तो आपके बाल उलझे हुए होते हैं और उस टाइम आपको बालों में कंघी करना मुश्किल हो जाता है। उस समय आप 2-4 बूंद अपने बालों में इसको लगा ले और उसके बाद आप कॉम करें, बहुत इजीली आपको कॉम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं जस्ट अपने बाल को वॉश करके आई हूँ और आप देख सकते हैं मेरे बाल थोड़े थोड़े अभी गीले हैं, थोड़े थोड़े सूख गए हैं और थोड़े थोड़े अभी भी गीले हैं। तो अभी मैं इसको एक साइड पे नॉर्मली कंघा चला के आपको दिखाती हूँ कि मेरे बालों में अभी कितने टैंगल्स हैं। आप देख सकते हैं कंघा नहीं चल रहा बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल से अटक अटक के कंघा चल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो गांठें बन गई हैं बालों में आके। तो अब हम लिवॉन सीरम लगाएंगे और उसके बाद अपने बालों में कॉम करके देखेंगे। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं इसलिए मैं 10-12 बूंद जितना ले रही हूँ अपने बालों में। आप देख सकते हैं इतना ही लिया है मैंने, और इसको अच्छे से अपने हाथ पे इस तरीके से रब कर लीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अभी बाल धोकर आई हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पंखे की हवा में मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं। तो इसके लिए हम इसमें 5-10 बूंद पानी भी मिक्स कर लेंगे ताकि आराम से हमारे बालों पर लिवॉन लग जाए। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया है और इसको अपने हाथों पर इस तरीके से मिक्स कीजिए और इस तरीके से लगा दीजिए। बालों में हल्का हल्का उंगली फिरा दीजिए। आपको ऊपर ही ऊपर लगाना है बालों के, बिल्कुल भी स्कैल्प पे नहीं लगाना है। मैं भी जस्ट ऊपर ऊपर ही लगा रही हूँ बालों के, जहाँ भी आपको लगता है कि फ्रिज है मेरे बालों में, गांठें बन गई हैं, उस जगह पे लगा लें अच्छे तरीके से। और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है, बिल्कुल भी आपके बालों को स्टिकी नहीं करेगा। और अब हम आराम से इसको कॉम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने स्मूथली मेरे बालों में से कंघी निकल रही है, कहीं भी टैंगल्स नहीं है अब बालों में। ये देखिए कितने अच्छे से डिटेंगल हो चुके हैं मेरे बाल। अब मैं आपको इस तरफ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा तेज तेज कंघी मत कीजिए, आराम आराम से सुलझाइए और बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं रहेंगे आपके बालों में, जो आपको बहुत तेज़ कंघी चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे तो लंबे बाल हैं इसलिए मैं और आराम आराम से कंघी चलाती हूँ। दोस्तों, मेरे बाल तो थोड़े से सूख चुके हैं, बट आप बिल्कुल ही अगर गीले बालों में लगाएंगे तो आपको बहुत कम लिवॉन लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों में स्प्रेड हो जाएगा वो। अभी मुझे तो वीडियो बनाने की वजह से थोड़े ज़्यादा सूख गए मेरे बाल, इसलिए मुझे पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिक्स करना पड़ा। अदरवाइज़ अगर आप नहाकर तुरंत ही आएंगे और बालों में लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बालों में।
आपको आराम से लग जाएगा वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टेंगल्स है मेरे बालों में, यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा है। तो अब बस थोड़ा सा हम एक से दो ड्रॉप लिवॉन लेंगे और एक से दो बूंद पानी लेंगे और उसको हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से इस तरीके से लगा लीजिए। और जैसे ही आप लगाएंगे अपने बालों में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके बाल सुलझ गए, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें कंघी चलाऊंगी, ये देखिए जो भी टैंगल्स था वो आराम से निकल गया, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा मुझे। अगर मैं इसको खींचती तो मेरे बाल टूट जाते। और इसमें थोड़ा सा मैंने लिवॉन लगा दिया तो ये आराम से निकल गया जो भी टैंगल था मेरे बालों में। दोस्तों तो आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से मेरे बाल डिटेंगल हो गए। इसी तरीके से अगर आपके बालों में फ्रिज है बहुत ज़्यादा, या फिर आप ठंडियों के टाइम में बार बार अपने हेयर वॉश नहीं करते हैं डेली बेसिस पे, तो आप थोड़ा सा लिवॉन में पानी मिला के लगा सकते हैं अपने बालों में। इससे आपके बाल बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं दिखेंगे और बिल्कुल फ्रेश सिल्की शाइनी दिखेंगे आपके बाल। कई बार ऐसा होता है कि हम बाइक वगैरह पर ट्रैवल करते हैं, इसके कारण बहुत ज़्यादा बाल उलझ जाते हैं, बहुत उलझे बिखरे बिखरे से लगते हैं। उस केस में भी आप थोड़ा सा लिवॉन और थोड़ा सा पानी को मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छे से आपके बाल सुलझ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा शाइनी और सिल्की भी आपके बाल लगेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने अपने बालों को सुलझा लिया है लिवॉन की हेल्प से और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बालों में थोड़ा सा शाइन भी आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, लिवॉन के 5-6 बूंद लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसके अंदर उतना ही पानी मिक्स कर लूँगी और इसको अच्छे से अपने हाथों पे इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसको जस्ट आपको ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे लगाना है, अंदर नहीं जाना है बालों के, क्योंकि आप ऊपर के लेयर पे ही अपने बालों पे शाइन चाहते हैं। तो जस्ट ऐसे करके अपने बालों को ऐसे फैला लीजिए और ऐसे लगा दीजिए, आपके बालों में बहुत नेचुरल सा शाइन आ जाएगा। और इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके बालों में आपको शाइन लाने के लिए। ये बहुत इजी और बहुत ही अच्छा मेथड है बालों को सिल्की शाइनी और सॉफ्ट बनाने का। ना आपके बालों में टेंगल्स रहेंगे, ना आपके बाल फ्रिज दिखेंगे, ना और ना ही आपके बाल डल दिखेंगे। इससे बहुत ही जल्दी आपके बाल सिल्की शाइनी और फ्रिज फ्री हो जाएंगे। दोस्तों बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप बालों में ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उस केस में आप लिवॉन सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। कई बार हम बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करा लेते हैं जैसे कि स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, कलर, तो इन सब केस में आपको ऑयलिंग करने के लिए मना कर दिया जाता है। इस केस में आप लिवॉन यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों ये आपको स्कैल्प पे नहीं यूज़ करना होता है, ये जस्ट आपको हेयर लेंथ पे यूज़ करना होता है। इससे आपके बाल सिल्की शाइनी और स्मूथ हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको लिवॉन का यूज़ और बेनिफिट पता चल गया होगा। और फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में आप इन दोनों हेयर सीरम के भी रिव्यू और टेस्ट देखेंगे और हम इन तीनों हेयर सीरम में कंपेयर भी करके देखेंगे कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। बट अभी तक के लिए तो ये डिटेंगल करने के लिए बालों के लिए लिवॉन बहुत ही अच्छा सीरम है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।